प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स एंड बिल्टिंग फंक्शंस देखे थे, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग मेथड्स की बात करेंगे। जब हमें स्ट्रिंग में कुछ भी सर्च करना होता है, कोई कैरेक्टर या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, देन वी यूज दीज मेथड्स। इन मेथड्स में रिप्लेस मेथड, हम जो टेक्स्ट सर्च कर रहे हैं उसको अगर रिप्लेस करना है किसी दूसरे टेक्स्ट से, तो हम रिप्लेस मेथड यूज करते हैं। और स्ट्रिंग में जो अल्फाबेट्स अपीयर हुए हैं उनका अगर केस चेंज करना है तो हम ये सभी मेथड्स यूज करते हैं। एंड अगर स्ट्रिंग को डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में, देन वी यूज दीज मेथड्स। एंड नाउ लेट्स गेट टू पाइचअप एंड सी दीज मेथड्स वन बाय वन। फर्स्ट हम फाइंड मेथड देखते हैं। सो वी नो दैट मेथड्स आर ओनली यूज्ड विद द ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। सो वी हैव टू यूज द एस जिसमें ये स्ट्रिंग स्टोर्ड है, राइट। नाउ आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुट डॉट। जैसे ही आप डॉट पुट करेंगे, यू कैन सी द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रिंग, राइट। नाउ वी कैन चूज फ्रॉम हियर और डायरेक्टली वी कैन टाइप हियर, राइट। नाउ ये फाइंड मेथड हमें इंडेक्स प्रोवाइड करता है जो भी टेक्स्ट हम सर्च कर रहे हैं। सो लेट्स से आई वॉन्ट टू सर्च पॉपुलर। नाउ रिजल्ट देखने के लिए हमें इसे प्रिंट फंक्शन में लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम इसे रन करेंगे, नाउ वी कैन सी दैट फाइंड मेथड हमें 12 रिटर्न कर रहा है, राइट। दैट मींस जो टेक्स्ट हम सर्च कर रहे हैं ये इंडेक्स नंबर 12 से स्टार्ट होता है। सो द इंडेक्स ऑफ दिस पी इज 12, राइट। दैट मींस द फाइंड मेथड हमें जो टेक्स्ट सर्च कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करता है, क्लियर। नाउ लेट्स से हम कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो एक बार से ज्यादा अपीयर हो रहा है स्ट्रिंग में। लेट्स से वी सर्च इज, नाउ वी कैन सी दैट इज 3 टाइम्स इस स्ट्रिंग के अंदर है, राइट। If we run it, इस केस में find method starting से search करना शुरू करता है और जब इसे first time is मिलता है, so this is the first time इसे ये is मिला, so जो first occurrence होता है text का जो हम search कर रहे हैं उसका index हमें provide करता है, तो ये is index number 7 से start होता है। Now let's see one more condition, जब हम कुछ ऐसा search करें जो present ही ना हो string के अंदर, इस केस में find method हमें negative 1 देता है, right? Now one thing more, let's say we are searching is, right? अब इसमें हम रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप इस is को instead of searching in the whole string, एक given range में सर्च कर सकते हैं। Let's say I want to search from index 10 to index 20, right? If you remember the string slicing, हमने string slicing में देखा था कि जो stopping index का character है वो कभी भी access नहीं होता। So वो चीज यहाँ पर भी apply करती है। So, हमने यहाँ पर ये रेंज दी, इसका मतलब जो फाइंड मेथड है वो इस टेक्स्ट को इंडेक्स नंबर 10 से सर्च करना शुरू करेगा और इंडेक्स नंबर 19 तक ही सर्च करेगा, 20 के कैरेक्टर को एक्सेस नहीं करेगा, राइट। नाउ इफ वी रन दिस, नाउ वी कैन सी दैट वी हैव गॉट नेगेटिव 1। तो हमें नेगेटिव 1 क्यों मिला है, राइट। सो इस ए का इंडेक्स 10 है और इस आई का इंडेक्स 20 है, राइट। सो इस रेंज में फाइंड मेथड ने सर्च करना शुरू किया और वी हैव मेंशन 20, तो इसका मतलब ये सिर्फ इंडेक्स नंबर 19 तक सर्च करेगा, राइट। इस रेंज में इज आया ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट नेगेटिव 1। बट लेट्स से मैं एक रेंज और बढ़ा देती हूँ। नाउ 21 इज द इंडेक्स ऑफ दिस एस और स्टॉपिंग इंडेक्स का कैरेक्टर कभी भी एक्सेस नहीं होता। सो इफ वी रन दिस, दिस टाइम ऑल्सो विल गेट नेगेटिव 1 क्योंकि इसे सिर्फ आई मिला, एस तो मिला ही नहीं, सो दैट्स व्हाई नेगेटिव 1 मिला है। बट अगर हम इसमें 22 प्रोवाइड करते हैं, नाउ इफ वी रन दिस, दिस टाइम हमें 20 मिला है, राइट। का मतलब ये आई का इंडेक्स 20 है और इस एस का इंडेक्स 21 है, राइट। जब हम यहाँ 22 देंगे तब वो 21 तक सर्च करेगा। जो सबस्ट्रिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं जब तक ये पूरी नहीं मिल जाती तब तक ये फाइंड मेथड सर्च करता है। अगर इसका एक भी कैरेक्टर मिसिंग है, नहीं मिला इस गिवन रेंज में, देन इन दैट केस फाइंड मेथड हमें नेगेटिव 1 देता है, राइट। सो हम ये रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। Now let's see the rfind method. rfind method find method की तरह ही वर्क करता है। लेट्स से मैं यहाँ पर पॉपुलर सर्च करती हूँ। नाउ इफ वी रन इट, ये हमें 12 देगा। अगर हम यहाँ फाइंड मेथड में भी पॉपुलर सर्च करेंगे तो दोनों ही केसेस में हमें 12 मिलेगा रिजल्ट में, राइट। दोनों सेम तरीके से वर्क कर रहे हैं। और लेट्स से इफ वी प्रोवाइड समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट, तो हमें फाइंड एंड rfind method नेगेटिव 1 प्रोवाइड करेंगे, राइट। बट लेट्स से हम कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो मोर देन 1 टाइम अपीयर हुआ हो। नाउ इन दिस केस फाइंड और rfind मेथड थोड़ा डिफरेंट वर्क करते हैं। इस केस में फाइंड मेथड लेफ्ट से सर्च करना शुरू करता है और जो फर्स्ट ऑक्रेंस होता है इसका इंडेक्स हमें रिटर्न करता है, राइट। बट rfind मेथड राइट से सर्च करना शुरू करेगा
राइट, और जो फर्स्ट ऑक्रेंस है इसका इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा. राइट, नाउ इन दिस केस इफ वी रन दिस, नाउ वी कैन सी दोनों मेथड डिफरेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. फाइन मेथड हमें 7 दे रहा है और आर फाइन मेथड हमें 32 प्रोवाइड कर रहा है. राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स. हम यहाँ पर रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हैं. लेट से अगर मैं देती हूँ 0 to 10 सर्च करना है. राइट, इन दिस ऑल्सो इफ आई गिव द रेंज 0 to 10. राइट, नाउ इस रेंज में ए सिर्फ एक ही बार अपीयर हुआ है. इफ वी रन दिस दोनों मेथड सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे. राइट, नाउ लेट सी द इंडेक्स एंड आर इंडेक्स मेथड. नाउ इंडेक्स एंड आर इंडेक्स मेथड भी फाइंड एंड आर फाइंड मेथड की तरह ही वर्क करते हैं. लेट से हम सर्च करते हैं पॉपुलर. राइट, नाउ इफ वी रन दिस दोनों मेथड हमें 12 दे रहे हैं. राइट, सो इंडेक्स एंड आर इंडेक्स मेथड भी फाइंड एंड आर फाइंड मेथड की तरह ही फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स हमें रिटर्न करते हैं. राइट, अगर ये एक ही टाइम अपीयर हुआ है. नाउ वी कैन सी इन दिस रेंज इज सिर्फ एक ही बार अपीयर हुआ है. इफ नाउ वी कैन प्रोवाइड द रेंज इन इंडेक्स एंड आर इंडेक्स मेथड ऑल्सो. लेट से अगर हम सेम यही रेंज प्रोवाइड करते हैं. नाउ इफ वी रन इट, नाउ वी कैन सी चारों मेथड सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं 7. इसका मतलब इंडेक्स एंड आर इंडेक्स मेथड सेम फाइंड एंड आर फाइंड मेथड की तरह वर्क करते हैं. बट लेट से हम इसको होल स्ट्रिंग में सर्च करते हैं. होल स्ट्रिंग में इज मोर देन 1 टाइम अपीयर हुआ है. नाउ इस केस में इफ वी रन दिस वी कैन सी दैट इंडेक्स मेथड फाइंड मेथड की तरह वर्क कर रहा है और आर इंडेक्स मेथड आर फाइंड मेथड की तरह वर्क कर रहा है. राइट, सो दैट मीन्स फाइंड एंड इंडेक्स मेथड लेफ्ट से सर्च करना शुरू करते हैं और जो फर्स्ट ऑक्रेंस होता है उसका इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं. राइट, एंड आर इंडेक्स एंड आर फाइंड मेथड राइट से सर्च करना शुरू करते हैं और जो फर्स्ट ऑक्रेंस होता है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करते हैं. तो इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? इनका डिफरेंस तब पता चलता है जब हम कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो स्ट्रिंग में प्रेजेंट ही नहीं है. लेट्स से इफ यू सर्च के, नाउ वी नो दैट के इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग. राइट, नाउ इस केस में फाइंड एंड आर फाइंड मेथड हमें -1 देते हैं. राइट, बट जब हम इंडेक्स एंड आर इंडेक्स मेथड को यूज करते हैं, नाउ इफ वी रन दिस इंडेक्स एंड आर इंडेक्स मेथड हमें वैल्यू एरर देते हैं. तो ये चारों मेथड सिमिलर हैं एक दूसरे से, बट अगर आपको कोडिंग में एरर रेज करना है और उसको हैंडल करने के लिए कोई कोड लिखना है तो इंडेक्स एंड आर इंडेक्स मेथड हम उस केस में यूज कर सकते हैं. अदरवाइज इंडेक्स एंड आर इंडेक्स मेथड फाइंड आर फाइंड मेथड की तरह ही वर्क करते हैं. दोनों सेम ही रिजल्ट देते हैं. राइट, नाउ लेट्स सी द रिप्लेस मेथड. नाउ रिप्लेस मेथड किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है. सो इस स्ट्रिंग में लेट्स से हम पॉपुलर वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं विद द वंडरफुल. नाउ इफ वी रन दिस, नाउ वी कैन सी पहले इन दोनों को कमेंट बनाते हैं. नाउ इफ वी रन दिस, नाउ वी कैन सी रिप्लेस मेथड हमें होल स्ट्रिंग रिटर्न करता है बट विद द रिप्लेस्ड वर्ड. जो पॉपुलर वर्ड है उसको रिप्लेस करके होल स्ट्रिंग हमें रिटर्न करता है. राइट, बट लेट से आप कुछ ऐसा रिप्लेस कर रहे हो जो मोर देन 1 टाइम अपीयर हुआ है. हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं से जेड जेड से. राइट, नाउ इफ वी रन दिस हम वी कैन सी जितने भी इज थे वो सब जेड से रिप्लेस हो गए. नाउ इस केस में जहां पर जो रिप्लेस करे अगर वो मोर देन 1 टाइम है, इसमें हम एक एट्रीब्यूट और दे सकते हैं कि आप कितने ऑक्रेंस को रिप्लेस करना चाहते हैं. इसमें 3 टाइम्स अपीयर हुआ है इज, सो लेट से मैं सिर्फ फर्स्ट 2 को ही रिप्लेस करना चाहती हूँ, थर्ड को रिप्लेस नहीं करना चाहती. तो उस केस में मैं यहाँ थर्ड एट्रीब्यूट दे सकती हूँ. इसमें हमें इंटीजर वैल्यू देनी होती है. सो हियर दिस 2 मीन्स कि जो फर्स्ट 2 ऑक्रेंस है इसकी वही रिप्लेस होगी, बाकी नहीं. Now if we run this, now we can see first 2 is replace हो गए z से, but third वाला replace नहीं हुआ. Right? So this is the replace method. Now इस replace method को हम किसी भी text को remove करने के लिए भी use कर सकते हैं. Let's say इस case में मैं इस abc को remove करना चाहती, तो उस case में यहाँ पर हम abc provide करेंगे जिसको आपको remove करना है, और जिससे remove करना है यहाँ पर हम replace में empty string provide कर देंगे. Right? Now if we run this, now we can see कि ABC रिमूव हो गया. राइट, इन द सेम वे लेट से मुझे इज को रिप्लेस करना है. तो इफ वी रन दिस जितने भी इज हैं वो सारे रिप्लेस हो गए. यू कैन सी हियर लेट से मुझे इज के जो फर्स्ट अपीयरेंस है या फर्स्ट 2 अपीयरेंस है इनको ही रिप्लेस करना है. लेट से मैं सिर्फ फर्स्ट ऑक्रेंस को ही रिमूव करना चाहती, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे. नाउ वी कैन सी जो फर्स्ट इज है वो रिमूव हो गया लेकिन बाकी के रिमूव नहीं हुए. राइट, तो दिस इज हाउ दिस मेथड्स वर्क. नाउ लेट से दीज मेथड्स, ये सभी मेथड्स हम
अल्फाबेट्स जो स्ट्रिंग में यूज हुए उनके केस चेंज करने के लिए यूज करते हैं. कैपिटल को स्मॉल करना है, स्मॉल को कैपिटल करना है, राइट. नाउ लेट सी देम वन बाय वन. फर्स्ट लेट सी द टाइटल मेथड. नाउ टाइटल मेथड यूज होता है स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट करने के लिए. टाइटल केस का मतलब क्या है? टाइटल केस का मतलब है स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में कन्वर्ट होगा और उस वर्ड के बाकी के लेटर स्मॉल केस में कन्वर्ट होंगे. नाउ इसे प्रिंट फंक्शन में यूज करते हैं टू सी द रिजल्ट. Now, if we run this, now we can see ये string हमारी title case में convert हो गई है. You can see the first letter of each word जो capital में convert हो गया, right? So this is the title case. हम title method use करते हैं title case में convert करने के लिए. Now we have the lower method. Now lower method सभी alphabets को lower case में convert करता है. But we can see यहाँ पर already lower cases में है. So let's make some alphabets in capital, right? Now इस lower method को string पे use करेंगे. Now if we run this, now we can see lower method ने सभी alphabets को small case में convert कर दिया, right? So this is the lower method. Now in the same way we have upper method. Upper method सभी alphabets को upper case में convert कर देता है. Now if we run it, now we can see सभी alphabets upper case में convert हो गए, right? So this is the upper method. Now in the same way we have a capitalized method. Now capitalized method string के first alphabet को ही capital में convert करता है, बाकी सब को small में convert करता है, right? So एक तरीके से ये पूरी string को sentence case में convert करता है. Sentence case का मतलब क्या होता है? Sentence का जो first letter होता है वो capital होता है, बाकी सारे small होते हैं, right? So capitalized method sentence case में convert करेगा. We can see the result here, right? First letter capital में convert हो गया, बाकी के सभी letters small case में convert हो गए, right? So this is the capitalized method. Now let's say the swap case method. Swap case method. Now swap case method जैसे हमें नाम से पता चल रहा है ये सभी cases को swap कर देगा. यानी जो letter small case में है उसको capital में convert करेगा और जो capital में उसको small में convert करेगा. Now if we run this, now we can see हमारा जो Y, S और P और ये H capital में थे वे सब small में convert हो गए हैं, right? बाकी के सभी letters capital में convert हो गए, right? So this is the swap case. Now let's see the case fold method. Now case fold method lower method की तरह ही work करता है. ये सभी letters को lower case में convert कर देता है. Now if we run this, we can see सभी letters small case में convert हो गए. Now फिर lower method और case fold method में difference क्या है? Now ये दोनों ही method letters को lower case में ही convert करते हैं. But case fold method थोड़ा aggressive होता है lower case से. और we can say that कि case fold method ज़्यादा strong होता है lower method से. केस फोल्ड मेथड डिफरेंट लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है और उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है. वेयर इज लोअर मेथड रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता किसी डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स को. नाउ डिफरेंस देखने के लिए हम इस स्ट्रिंग एस की जगह हम कोई दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं. वी यूज द स्ट्रिंग स्ट्रासर. ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग स्ट्रीट होता है, राइट. इसमें यहाँ पर एस कैपिटल यूज हुआ है. Now ये एक जर्मन कैरेक्टर है जिसकी साउंड सिमिलर टू स होती है. Now ये एक जर्मन कैरेक्टर है. Now केस फोल्ड इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और इसके सिमिलर साउंड के अकॉर्डिंग लेटर को चेंज कर देगा स्मॉल केस में. Now if we run this, we can see that दोनों मेथड ने एस को तो चेंज कर दिया है स्मॉल केस में, बट ये जो जर्मन लेटर है वो सिर्फ केस फोल्ड ही चेंज कर पाया है. लोअर मेथड ने चेंज नहीं किया क्योंकि ये कैरेक्टर एक डिफरेंट लैंग्वेज का कैरेक्टर है, इसे लोअर मेथड ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया. Whereas case fold method ने इस letter को recognize किया और इसको similar sound के according इसको double S में convert भी किया, right? So that is similar to sound S. So जब भी हमें strings को compare करना होता है तो हम string को lower case में convert करके compare करते हैं. So उस case में हम case fold method use करते हैं क्योंकि case fold method different languages और different scripts के characters को भी recognize कर लेता है. So this is how we use these methods. Now that's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल. हम बाकी मेथड्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टिल देन टेक केयर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.